प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में मेरे अजीज मित्रों, प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। मैं हर सप्ताह आप लोगों के साथ रविवारीय प्रवचन साझा करता हूं, यानी रविवारीय पाठों का मनन चिंतन आप लोगों के साथ में। लेकिन आज मैं एक अलग ही विषय पर आप लोगों के साथ बातचीत करने जा रहा हूँ। मैंने एक वीडियो यूट्यूब पर देखी है, उसको लेकर मैं बहुत ही आहत हूँ, दुखी हूँ। वो वीडियो एक मसीही प्रचारक ने डाली है। जहां तक वे पास्टर प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन उन्होंने यह जो वीडियो बनाई है वो यीशु की माता के बारे में है, और इस वीडियो में उन्होंने कुछ इतने अनुचित, सस्ते व गिरे हुए शब्दों का प्रयोग यीशु की माता के लिए किया है, और एक ऐसी भद्दी सी तुलना उन्होंने की है जिसे एक कैथोलिक तो क्या, एक अविश्वासी भी स्वीकार नहीं कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को उनका यह वीडियो दिखा देता हूं। मैंने उनकी व्यक्तिगत पहचान छिपाने के लिए वीडियो को ब्लर कर दिया है। मेरा उद्देश्य उनको बदनाम करना नहीं, लेकिन उनकी शिक्षा का खंडन करके सही शिक्षा आप लोगों के सामने पेश करना है। अब ये आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, पूछो क्या, ये पानी इंपॉर्टेंट है या बॉटल? थोड़ा सोच के जवाब दीजिए, ये बॉटल इंपॉर्टेंट है या पानी? जैसे ही पानी पी लेते हैं, आपको शायद नहीं पता है कहाँ है भैया, आजा। हाँ, आपको शायद नहीं पता है, लिखा है कि आफ्टर यूजिंग क्रश द बॉटल, मतलब पानी पीने के बाद में बॉटल को अच्छे से दबो के, मरोड़ के फेंक दो। बोला क्यों? बोला दोबारा कोई इसका इस्तेमाल ना करे। आप नहीं समझ रहे हो शायद अभी तक। Yes. मरियम का रोल बॉटल की तरह है, यीशु का रोल पानी की तरह है। पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, जब तक बॉटल में है, और जिस दिन बॉटल खत्म, अभी पानी खत्म, बॉटल खत्म, फिर अभी तक काहे पकड़ के घूम रहे हो भाई? क्या कंपैरिजन है, क्या कंपैरिजन है, क्या तुलना है। यीशु पानी है और मरियम बॉटल है। हमको पानी से ही मतलब है, पानी पीने के बाद बोतल को क्रश करके मरोड़ कर फेंक देना चाहिए। यानी उनके अनुसार यीशु को जन्म देने के बाद मरियम का कोई औचित्य नहीं रह जाता, कोई महत्व नहीं रह जाता, वे महज एक खाली बोतल है। और वे अपने अनुयायियों को सिखा रहे हैं कि मरियम ने यीशु को जन्म दिया, उसके बाद आपके जीवन में उस नारी के लिए कोई कदर, कोई सम्मान या कोई भी अच्छी भावना नहीं होनी चाहिए। उसे पानी की बोतल की तरह क्रश करके, यानी तोड़ मरोड़ के कचरे में फेंक देना चाहिए। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच कई मुद्दों पर असहमति और अंतर हो सकता है, और वो अंतर जहां तक मैं समझता हूं डॉक्ट्रिनल है, कुछ शिक्षाओं और मान्यताओं को लेकर है। मैं यह भी मानता हूं कि यीशु की माता मरियम को लेकर कुछ असहमति और कुछ सहमति विभिन्न ख्रिस्ती विश्वासियों में है, लेकिन जिस हद तक ये पास्टर जी चले गए हैं वो उनके मसीही होने पर ही एक सवाल खड़ा कर सकता है। आखिर उस निष्कलंक और कुंवारी नादान नारी जिसने उस प्रभु यीशु को अपनी कोख में स्वीकार किया और जिसे वो दुनिया में लाई, उसे इतनी नफरत क्यों? जिस नारी के सामने स्वर्गदूत आकर आदर से प्रणाम करता है, उसे प्रभु की कृपा पात्री कहता है और यह भी कहता है कि प्रभु आपके साथ है, उसके लिए एक साधारण इंसान इतनी नीच भाषा का प्रयोग आखिर क्यों कर सकता है? वे प्रचारक जिस पवित्र बाइबल का प्रचार कर रहे हैं, वह पवित्र बाइबल उस नारी के बारे में कहती है कि आप नारियों में धन्य हैं। उसे आप पानी की बोतल की तरह क्रश करके फेंकने की बात करते हैं। ये कौन सी बाइबल से आप सिखा रहे हैं? मैं सिर्फ पवित्र बाइबल की बातें करूंगा। और आप सब जो ये मानते हैं कि मरियम की भूमिका यीशु को जन्म देने के बाद खत्म हो जाती है, तो आप लोग मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए। जवाब सिर्फ पवित्र बाइबल से होने चाहिए। अगर
अगर इनके अनुसार मरियम का रोल सिर्फ यीशु को जन्म देने तक ही था, पानी के उपयोग के बाद बोतल के समान ही रह जाता है, तो कोई मुझे ये बतलाएगा कि देहधारी शब्द के जन्म होने के बाद उन्हें कपड़े में लपेट कर चरनी और किसने ले पाया था उनका महत्व? आइए हम पढ़ते हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पवित्र वचन संख्या 6 से लेकर 7 तक। वे वही थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हुए और उसने अपने पहलौठे को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरने में लेटा दिया। वे वही थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हुए और मरियम ने यीशु को लेकर जन्म देने के बाद कपड़े में लपेटकर रख दिया। इनके कहे अनुसार यदि मरियम को खाली बोतल की तरह फेंक दिया जाता यीशु के जन्म के बाद, तो कौन बालक यीशु का लालन पालन करता? क्या मरियम का यीशु के जन्म के बाद वाकई कोई महत्व नहीं रहा? तो फिर हेरोद की तलवार से बचाने के लिए प्रभु का दूत संत मत्ती अध्याय 2 वचन 13 में यूसुफ को स्वप्न में दर्शन देकर क्यों कहता है कि बालक और उसकी माता को लेकर आप मिस्र देश भाग जाइए? इनकी शिक्षा के अनुसार तो स्वर्गदूत को कहना चाहिए था कि यीशु का जन्म हो गया है, अब मरियम का कोई औचित्य नहीं रहा, उसे आप छोड़ दीजिए और आप पहले यीशु को लेकर मिस्र देश भाग जाइए। सही है ना? फिर आगे हम पढ़ते हैं वचन 19 में ऐसा लिखा है कि हेरोद की मृत्यु के बाद प्रभु का दूत मिस्र देश में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए बालक और उसकी माता को लेकर इसराइल देश चले जाइए। जिनको पवित्र बाइबल का ज्ञान है उन्हें यह पता है कि स्वर्ग दूत ईश्वर की ओर से संदेश लेकर मनुष्यों को देते हैं। वे वही कहते हैं जो ईश्वर ने उन्हें कहा है, वो जो ईश्वर ने उन्हें बोलने के लिए बताया है। संत लूकस 1:19 में हम पढ़ते हैं, गैब्रियल फरिश्ता जकरिया से कहता है, मैं गैब्रियल हूं, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं, मैं आपसे बातें करने और आपको यह शुभ संदेश सुनाने आया हूं। तो प्यारे विश्वासियों, हम क्या देखते हैं कि पवित्र बाइबल में तो ईश्वर स्वयं चाहते थे कि मरियम की भूमिका यीशु के जन्म के बाद भी बरकरार रहे। इसीलिए तो बार-बार स्वर्गदूत यह कहते हैं कि बालक और उसकी माता को साथ में लेकर जाओ। स्वर्गदूत ने मरियम को पानी की बोतल की तरह नहीं फेंका और फेंकने को नहीं कहा, पर यहां पे तो लोग कहते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें उन्हें पानी की बोतल की तरह फेंक देना चाहिए। ये लोग हमें ऐसा कहने के पीछे कुछ बिब्लिकल रीजंस, कुछ बाइबल आधारित कारण भी तो बताएं कि आखिर सब नारियों में धन्य हमारे मुक्तिदाता की मां जो बनी, उसका हमें आदर क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों कर कोई उस महान नारी को क्रश करके फेंक देगा? पवित्र बाइबल वहीं तक नहीं रुकती, हम आगे बढ़ेंगे। जब प्रभु यीशु के खतने का समय आया तो उन्हें मंदिर में चढ़ाने कौन ले गया? पवित्र बाइबल तो कहती है यहां भी मरियम की भूमिका एक मां के रूप में थी। संत लूकस अध्याय 2 वचन 27 में हम पढ़ते हैं, माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने के लिए उसे भीतर लाए, उसे मंदिर में लाए। उसके पश्चात हम उसी अध्याय के 34वें पद में पढ़ते हैं, सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा, यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट किए जाएंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। मुझे तो अभी तक पवित्र बाइबल में कहीं पर भी वचन यह कहते हुए दिखाई नहीं दे रहा है कि यीशु के जन्म के बाद मरियम की भूमिका समाप्त हो जाती है। उल्टे पवित्र बाइबल बार बार मरियम को यीशु के जीवन से जोड़ते हुए दिखा रही है। उसी अध्याय के वचन 41 से 50 में हम बालक यीशु के यरूशलेम में खो जाने के बारे में पढ़ते हैं, तो उस समय जब बालक यीशु मंदिर में खो जाते हैं तो कौन उनको ढूंढते हुए वापस जाती है? संत यूसुफ के साथ कौन उन्हें ढूंढते हुए वापस जाती है? और वचन 51 कहता है, यीशु उनके साथ यानी मरियम और यूसुफ के साथ नाजरेत गए और उनके अधीन रहे, उनकी माता ने इन बातों को अपने हृदय में संचित रखा। प्रभु का वचन कहता है कि
यीशु उनकी माता और पिता यूसुफ के अधीन रहे। जितने भी लोग जो मरियम का सम्मान नहीं करते, यीशु की मां का आदर नहीं करते, वे कृपया इस वचन को ध्यान से गौर से पढ़िए और मनन चिंतन करिए। यीशु जो स्वयं ईश्वर हैं, ईश्वर का देहधारी वचन है, खुद को इतना विनम्र बनाता है कि वो मरियम और यूसुफ के अधीन रहता है। 30 सालों तक यूसुफ और मरियम के अधीन रहता है। अधीन का अर्थ समझते हो? किसी के अंडर रहना, किसी की अधीनता में रहना। तो यीशु ने न केवल माता मरियम का सम्मान किया, परंतु वे उनके अधीन रहे, उनकी बातें मानी, उनकी आज्ञाओं का पालन किया। एक तरफ है विनम्रता से भरपूर हमारे प्रभु यीशु, जिन्होंने मरियम के अधीन करीब 30 साल बिताए, और दूसरी तरफ है उनके 2000 या 2020 साल बाद यह कहने वाले लोग कि मरियम का यीशु के सामने कोई औचित्य नहीं। प्यारे साथियों, हम किसकी बात माने? पवित्र बाइबल की, प्रभु यीशु की, या फिर 2000 साल बाद कही गई किसी एक व्यक्ति की बात, किसी एक निरे मनुष्य की बात, जो कि यीशु की मां मरियम, हम सब की मां मरियम की तुलना एक पानी की बोतल से कर रहे हैं और कहते हैं कि यीशु के पिक्चर में आने के बाद मरियम की भूमिका बोतल के समान हो जाती है और उसे हमको क्रश करके। क्या हमको कोई बताएगा कि यदि उनकी बात सही है तो फिर संत योहन अपने सुसमाचार अध्याय 2 में क्यों लिखते हैं कि यीशु ने अपना पहला चमत्कार अपनी मां के कहने पर दिखलाया? कौन सही है, 2020 वाले लोग या वे जो उस चमत्कार के चश्मदीद गवाह थे, वे जिन्होंने सुसमाचार लिखा, या वे जो आज सुसमाचार को पढ़ रहे हैं और उसका गलत संदेश और उसका गलत अर्थ निकालकर लोगों को भड़का रहे हैं? साथ ही हम पढ़ते हैं कि यह वही मरियम है जो यीशु की सेवकाई में उनके साथ थी, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं संत मत्ती अध्याय 12 वचन 46 से लेकर 50 तक, संत मार्कुस अध्याय 3 वचन 31 से लेकर 35, और संत लूकस अध्याय 8 वचन 19 से लेकर 21 तक, और संत योहन हमें बतलाते हैं उनकी अध्याय 19 वचन 25 से लेकर 27 में, यीशु की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके पास, उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वो प्यार करते थे खड़े देखा, और उन्होंने अपनी माता से कहा, नारी यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। अब आप लोग ही बताइए कि पवित्र सुसमाचार में कौन सी आयत है जो यह बतलाती है कि हमें मरियम का तिरस्कार करना चाहिए, यीशु और मरियम की तुलना में यीशु महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें मरियम को किसी भी प्रकार का आदर और सम्मान नहीं देना चाहिए, मरियम किसी प्रकार के आदर और सम्मान की हकदार नहीं है। पवित्र बाइबल में मरियम की भूमिका प्रभु यीशु के क्रूस मरण तक खत्म नहीं होती, वरन उनके पुनरुत्थान के बाद भी वे कार्यशील रहती, क्रियाशील बनी रहती है। यीशु के चेले लोग यीशु की माता के इर्द गिर्द उनके मृत्यु के बाद रहते हैं, उनके पुनरुत्थान के बाद भी, और वे एकत्रित होकर, वे इकट्ठे होकर उनकी मां मरियम के आसपास खड़े होकर उनके साथ रहते हुए वे प्रार्थना करते हैं। प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 1 वचन 13 और 14 में हम पढ़ते हैं, वे सब एक हृदय होकर नारियों, यीशु की माता मरियम तथा उसके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। और पेंतेकोस्त के दिन जब वे इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे थे तो मरियम की उपस्थिति में उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है, पवित्र आत्मा का सबों के ऊपर अभिषेक होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि कलीसिया के प्रारंभ होने तक मरियम की सक्रिय भूमिका पवित्र बाइबल में हम पाते हैं। पवित्र बाइबल हमें बतलाती है कि मरियम ने जब से पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर यीशु को अपने गर्भ में धारण किया, तब से लेकर उनके जन्म, उनके बचपन, उनकी जवानी, उनकी सेवकाई, उनकी मौत की घड़ी तथा उसके बाद कलीसिया की शुरुआत तक मरियम की भूमिका सक्रिय रही। कलीसिया की शुरुआत तक यीशु की मां होने की भूमिका उन्होंने निभाई। तो इस महान नारी का हम किस आधार पर तिरस्कार करें? प्यारे साथियों, मेरे इस वीडियो का उद्देश्य किसी को
दोषी ठहराना बिल्कुल नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। इस प्रकार की शिक्षाओं से पथ भ्रष्ट होने वाले विश्वासी भाइयों और बहनों को पवित्र बाइबल के आधार पर सही शिक्षा मिले। यदि आप मेरे द्वारा बताए गए उपरोक्त बातों से सहमत हो और यदि आपके मन में भी यीशु की मां के प्रति आदर सम्मान है तो इस वीडियो को आप बहुत शेयर करें ताकि सब लोगों को मरियम संबंधी एक बाइबल आधारित सही ज्ञान मिले और वे किसी भी प्रकार के बहकावे अथवा भटकाव में न आकर सच्चे विश्वास और सच्ची कलीसिया से दूर न जाए। सबों को धन्यवाद। ईश्वर का अनुग्रह आप सबों पर हमेशा बना रहे। जय यीशु।